Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about geometry. आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास स्टार्टिंग में बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट। पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। इट इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल डॉट। ये एक नुक्ता होता है जो कि हमें रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन के लिए, किसी जगह को पॉइंट आउट करने के लिए एक नुक्ता इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट, उसे हम कहते हैं नुक्ता, जो कि ज्योमेट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। इट हैज़ नो लेंथ एंड इट हैज़ नो ब्रेथ। मतलब कि पॉइंट जो है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पॉइंट या हमारे पास उर्दू में कहलाता है नुक्ता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा मार्क होता है जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारी ज्योमेट्री में। पॉइंट को हम डॉट भी कह सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है लाइन। लाइन से आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लियर हो ही रहा होगा कि लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। मतलब कि दो पॉइंट्स का एक स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा सा रास्ता एक लाइन कहलाती है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो बिगनिंग। इसके कोई आगाज नहीं होता और ना ही इसका कोई अख्तिताम होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं टू पॉइंट्स। पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को भी लाइन का नाम दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हैं टू पॉइंट्स और मैंने इन टू पॉइंट्स को मिला दिया। इन दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद मैंने इनका नाम रख दिया P एंड Q। अच्छा, लाइन जो है इसकी ना तो स्टार्टिंग होती है और ना ही एंड होता है, इसलिए ये चलते जाते हैं, ये खत मुस्तकीम में सफ़र करते रहते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये बढ़ते ही रहते हैं, इनका कुछ एंड नहीं है। लेकिन हाँ, ये दो पॉइंट है जिनको मिलाया गया तो ये लाइन बनी पी एंड क्यू। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ये एक लाइन है पी क्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन समझ आ गई होगी और पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर टू पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मैच किया, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एल एंड एम इनका नेम रख दिया। तो इसको मैं अगर शो करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। चलिए आइए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की तरफ। हमारे पास अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं। सबसे पहले होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह की लाइंस को कहा जाता है। नंबर टू पर है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस इस डायरेक्शन में बनी होती हैं। कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन सीधी लाइन को नहीं कहा जाता, इस शेप में जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो कर्व लाइन कहलाती हैं। स्लैंडिंग लाइन जो होती हैं कुछ स्लाइड की तरह होती हैं, ये स्लैंडिंग लाइंस कहलाती हैं। लेट्स मूव टू अनदर कैटेगरी, अनदर कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? इट हैज़ बिगनिंग एंड एंड पॉइंट। ये हमारे पास, इसका हमारे पास लाइन में और लाइन सेगमेंट में जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो ये है कि इसका एंड पॉइंट भी होता है और बिगनिंग पॉइंट भी होता है, जबकि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता और ना ही कोई बिगनिंग पॉइंट होता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क ही यहाँ पर ये है। अब लाइन सेगमेंट जो होती है, इसका आगाज़ भी है तो इख्तिताम भी है। ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ही जाती है और एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट है ए, ये यहाँ से चलकर जा रहा है और ये पॉइंट बी पर ख़त्म हो जाता है। ये मेरे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में सबसे पहले
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह कि ये एक कताए खत है। उर्दू में लाइन सेगमेंट को कताए खत कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी ए करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, लाइन सेगमेंट जो होते हैं हमारे पास मेजरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। इट कैन बी मेजर, लाइन सेगमेंट मेजर किए जा सकते हैं, उनकी पैमाइश की जा सकती है, लेकिन लाइन की पैमाइश नहीं की जा सकती। अभी मैं यहाँ पर एक सवाल पढ़ रही हूँ जो कि लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि आप पैमाइश करेंगे स्केल से। अब हमारे पास इस तरह के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि आपने भाई 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है या आपने 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। आपको ये याद रहे कि हमें ये लाइन सेगमेंट मेजर करके बनाना है, यानी कि कोई स्केल लेकर उससे मेजर करना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह। इस तरह हम लाइन सेगमेंट को आसानी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं विदाउट स्केल आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि अगर मेरे पास है ये 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, उसका नेम रखा ए एंड बी, और यहाँ पर मैंने अगर 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया है तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी, शो करूँगी कि मैंने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया है और ये पॉइंट्स लाजमी मैं यहाँ पर डालूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, हम आ गए हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है रे। रे मायने उर्दू में होती है शुआ। शुआ जैसे होता हमें पता है कि रेज हमारे पास शुआ के तौर पर एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, एक रे जो है रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। किसी भी रास्ते पर सफ़र करना, सीधे रास्ते पर सफ़र करना शुआ कहलाती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज ऑन इन वन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आपके पास रे जो है मूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, दिस वन, इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट्स बट इट हैज़न्ट एंड पॉइंट। सो आई होप आपको रे भी समझ आ गई होगी। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा टॉपिक जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए था। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।